भाजपा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में श्रमदान करते नजर आए। शर्मा ने जल संरक्षण, तालाबों के घरीकरण और सौंदर्यीकरण का संकल्प लेकर अपना विकास अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव जीतने के बाद खजुराहो पन्ना संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा विकास कार्यों में जुट गए हैं। उन्होंने इलाके के विकास का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। उन्होंने जल संरक्षण, तालाबों के घरीकरण और सौंदर्यीकरण का संकल्प लेकर पन्ना की जनता सामाजिक संगठन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान किया। शर्मा जल संरक्षण के लिए तालाबों से अतिक्रमण हटाने, तालाबों के घरीकरण करने का अभियान शुरू कर चुके हैं। पर्यावरण दिवस था, उसके बाद पर्यावरण दिवस के दिन और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरुआत की थी जल संरक्षण के लिए, स्वच्छता के अभियान के लिए और वृक्षारोपण हम बड़ी संख्या में पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकें, तो ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल से जो तालाब है, इस तालाब का घरीकरण आज हमारे कार्यकर्ताओं ने इसकी शुरुआत की है। पन्ना नगर पालिका इसमें अपनी पूरी तैयारी के साथ इस तालाब का घरीकरण और सौंदर्यीकरण दोनों कामों पर उन्होंने फोकस किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।